हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना भाई समझा दो भैया। पुराने इंट्रो को देखकर कुछ पुरानी यादें ताजा हुई होगी। दोस्तों आज हमारा ये समझा दो परिवार पूरे 3 साल का हो चुका है, यानी कि तीसरा बर्थडे हम मना रहे हैं। ठीक 3 साल पहले 7 अक्टूबर 2019 को मैंने इस चैनल की नींव रखी थी और समय के साथ हमारा ये परिवार इतना बड़ा हो गया कि लगभग हमने 150K का आंकड़ा टच कर लिया है। पूरा तो नहीं हुआ लेकिन हाँ 1.5 लाख का ये परिवार हो चुका है। और आज इतने बड़े दिन के उपलक्ष्य में मैं आपसे एक बहुत बड़ा प्रॉमिस करने जा रहा हूँ कि अब से बिना किसी लोभ लालच में आए, ना सिर्फ व्यूज को देखते हुए और सिर्फ हाँ कि मुझे वीडियो डालना है इस मकसद से नहीं, मुझे सच में आपको कुछ वैल्यूबल कंटेंट प्रोवाइड करना है। इस तरीके के वीडियोज मैं आपको ला के दूंगा। और जो मैंने पार्ट 2 नाम से सीरीज स्टार्ट करी है, देखो आप यूट्यूब पर वीडियोज किस लिए देखते हो? देखो न्यूज अपडेट टीए तो आपको टेलीग्राम या फिर ट्विटर पर भी मिल जाएंगे, लेकिन पार्ट 2 जो सीरीज है ना, मैंने इस तरीके की पहल की शुरुआत करी है कि जिससे कि आपको न्यू ट्रिक्स एंड ट्रिप्स मिले, जिससे कि आप क्रिप्टो से किसी भी तरीके से कमाओ, कुछ नॉलेज आपको मिले, आइडियाज आपको मिले या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन मिले, ऐसा ज्ञान मिले जो कि आपको नहीं पता था। तो ऐसा ही हम पार्ट 2 के अंदर ट्राई कर रहे हैं। आप सभी के सुझावों से भी हम पार्ट 2 के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आशा करेंगे कि इससे इंस्पायर्ड होकर बाकी के जो मेरे फेलो क्रिएटर्स हैं, मेरे साथी मित्र हैं, वो भी इस तरीके से नॉलेज और ट्रिक्स एंड टिप्स पर फोकस करें जिससे कि पूरी कम्युनिटी को फायदा हो। तो प्लीज आपको इस चैनल का सपोर्ट करना है, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो इस सीरीज का सपोर्ट करना है। ओके, और लाइक तो आज कर ही दोगे क्योंकि तीसरा बर्थडे। अब सीधा अपडेट्स की बात करते हैं। देखो बिटकॉइन की बात करें तो यहां पर बिटकॉइन वही हमें थोड़ा सा सुस्त माहौल में चलता हुआ दिख रहा है। यहां पर एक डबल टॉप तो आपको बिल्कुल क्लियर कट देखने को मिल रहा होगा। यहां पर इसकी नेक लाइन है, रीटेस्टिंग अगर ये करता है, यहां से अगर हम 20,100 के आंकड़े के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं, यहां पर कंफर्मेशन करते हैं, तब तो ये इनवैलिडेट हो जाएगा आराम से। फिर हम 20,300-400 तक बिटकॉइन को अगेन देखेंगे। अदरवाइज अगर यहां पर रीटेस्टिंग कंफर्म हो जाती है, यहां पर एटलीस्ट 2 कैंडल का कंफर्मेशन हमें मिल जाता है, काफी अच्छा शॉर्ट बनेगा। और अगर आपको लॉन्ग वगैरह ओपन भी करना है तो यहां पर 19,500 से 19,700 वाला अगेन वही हमारे लिए एक सपोर्ट जोन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां से अगर मैं इसका टारगेट भी निकालूं, यहां से यहां तक का, आप देख सकते हो कि लगभग हम यहां पर ही आएंगे। ठीक है, इसी जोन के अंदर आएंगे। तो 19,500 से 19,700 का हमारा एक सपोर्ट जोन बन रहा है और बाकी तो लगभग 2-3 कैंडल हमें साइडवेज देखने को मिल चुकी है। तो यहां पर एक अच्छा शॉर्ट बन रहा है, आप शॉर्ट ओपन कर सकते हो। इसके अलावा मॉर्निंग में ही मैंने आपको जो बाइनेंस का ब्रिज हैक हुआ था, यानी कि बाइनेंस क्रॉस ब्रिज के ऊपर जो हैकिंग हुई थी जिससे कि एक्स्ट्रा BNB मिंट हो गए थे, हैकिंग का मकसद क्या था वगैरह वगैरह, वो सब कुछ मैंने सुबह ही आपको समझा दिया है, या फिर आप मेरे सेकंड चैनल पे जाके वो अपडेट ले सकते हो। तो इससे जुड़ी हुई अब एक लेटेस्ट अपडेट आई है कि बाइनेंस ने जो ये ब्रिज है इसको वापस से रिज्यूम कर दिया है। देख सकते हो आप, बाइनेंस रिज्यूम BSC ब्रिज ऑपरेशन आफ्टर 2 मिलियन BNB एक्सप्लोइट। तो 2 मिलियन के आसपास की जो BNB हैकिंग थी वो हुई थी, लेकिन आप देख सकते हो इससे हमें क्या सबक मिला है कि भैया BNB की जो बातें चलती थी कि भैया BNB की चेन इतनी सिक्योर है या फिर BSC जो ब्रिज है वो काफी सिक्योर है, तो इसका भी हमें दूध का दूध पानी का पानी पता लग गया कि भैया किस तरीके से जो हैकर से इसको भी नहीं छोड़े। ठीक है, और बेसिकली ब्रिज क्या है, आपने सुना होगा TRC20, ERC20, इसी तरीके से जो 2 क्रॉस चेन थी, यानी कि एक तो BEP20 और एक BEP2, 2 ब्लॉकचेन जो है ना, इनके बीच का ये पूरा ब्रिज था जो कि था BSC टोकन हब, इसके ऊपर हैकिंग हुई थी। बाकी आपको पूरी अपडेट जाननी है तो सेकंड चैनल को जाके देख लेना, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे जुड़ी हुई जो अपडेट है वो यही है कि भैया BSC चेन वापस से ऑनलाइन हो चुकी है, वापस से रिज्यूम हो चुकी है। इसके अलावा इंडियन क्रिप्टो मार्केट से एक अपडेट आई है कि इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज ZIP पे अप्लाई फॉर लाइसेंस इन सिंगापुर, ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है। इससे क्या पता लग रहा है कि भैया देखो इंडियन मार्केट में तो इन सभी का इस तरीके से दम घोटा जा रहा है कि ये अभी अपने आप को संभाल नहीं पा रही है एक्सचेंजेस या फिर कंपनियां। दैट्स वाई जो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो बाकी की कंट्रियों में शिफ्ट हो रहे हैं। अभी आपके सामने एग्जांपल है कि ZIP पे जो कि प्योरली एक इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज था वो अब सिंगापुर का लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई कर रहा है। इससे हमें पता लग रहा है कि भैया कितना जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वो परेशान है इंडियन अथॉरिटी से, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उससे। तो यहां पर एक अपडेट है कि ZIP पे जो है जो कि इंडियन एक्सचेंज है वो सिंगापुर के लिए लाइसेंस अप्लाई कर रहा है। ओके, यहां पर अगली अपडेट की बात करें तो आज इंडिया से दूसरी एक और बड़ी अपडेट निकल के आई कि इंडियन सेंट्रल बैंक पब्लिश कॉन्सेप्ट नोट ऑन इट्स CBDC, यानी कि जो डिजिटल रुपये जिसकी बात या फिर जिसकी अपडेट्स हम लेते रहते थे, फाइनली उससे जुड़ा हुआ हमें एक कॉन्सेप्ट पेपर देखने को मिला है कि बेसिकली ये जो डिजिटल रुपये होगा वो क्या होगा। यहां पर आप देख सकते हो पूरा इन्होंने कॉन्सेप्ट नोट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर जारी कर दिया है। 50 पेज का ये पूरा 48 पेज का ये पूरा नोट है जिसमें आप
सीबीडीसी क्या है, इसका यूज केस क्या होगा, बेसिकली ये जो हमारी इंडियन करेंसी है, जो रुपी है, उसी का डिजिटल वर्जन है। इसको आप वो मत समझ लेना क्रिप्टो करेंसी वगैरह, ठीक है, ये स्टेबल कोइन की तरह होगा या फिर रुपी का ही एक डिजिटल वर्जन है। यहां पर आप इंडेक्स में देख सकते हो, बाकी इसकी सारी डिटेल अगर आपको जाननी है लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड करके इस पीडीएफ में पूरा जो भी इसके बारे में डिटेल बताई गई है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। जो मेन मतलब की बात है वो मैंने आपको बता दी कि भैया ये डिजिटल रुपी होगा जो कि हमारी इंडियन करेंसी का एक डिजिटल वर्जन है, ठीक है। बाकी लॉन्चिंग वगैरह की डेट अभी कोई डिक्लेयर नहीं हुई है। इसके अलावा कल याद हो मैंने आपके साथ आरबीएन कॉइन का एक ट्रेड सेटअप शेयर करा था, एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि हमारा टारगेट कितनी परफेक्टली तरीके से हिट हुआ है। अगर आपने 10x का लेवरेज भी यूज किया होगा तो लगभग आपको यहां पर आप पंप देख सकते हो, लगभग लगभग इसमें 6-7% का पंप आया, यानी कि 50-60% का मोटा मोटा प्रॉफिट आपको मिला होगा अगर आपने सही समय पर एंट्री ली होगी। लेकिन यहां पर थोड़ा सा दुखिया रहा यह है कि मेरे वीडियो के अपलोड होने के आधे घंटे के बाद ही इसमें पंप स्टार्ट हो गया, तो काफी लोगों ने शायद एंट्री मिस कर दी होगी। लेकिन इसी तरीके से आज तो मुझे कोई ट्रेड सेटअप नहीं मिला है, लेकिन इसी तरीके से मुझे कोई अच्छा ट्रेड सेटअप मिलेगा जिसमें कि आपको कम से कम 25-30% का इजिली प्रॉफिट मिल जाए, तो डेफिनेटली वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। इसके अलावा अगली एक छोटी सी अपडेट है कि FTX वालों ने वीजा के साथ में पार्टनरशिप कर लिए, और इससे होगा क्या कि इनकी पार्टनरशिप के बाद में जो FTX वाले हैं, जो वीजा वाले हैं, वो 40 कंट्रियों में क्रिप्टो डेबिट कार्ड अब देंगे या फिर इसकी सर्विसेज देना शुरू कर देंगे। जैसे ही अपडेट आई FTT में, जो कि FTX वालों का नेटिव टोकन है, उसमें लगभग 5-6% की पंपिंग देखने को मिली, और इसके बाद में आप देख सकते हो अगेन ये थोड़ा करेक्शन लेना शुरू कर दिया है। अगली अपडेट की बात करें जो कि टेलीग्राम पर आपको ऑलरेडी मिल चुकी होगी, यहां पर मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूं। टेलीग्राम पर मैंने आपको कंफर्मेशन दे दी है कि भैया हाँ ये कंफर्म हो चुकी है। अपडेट क्या है कि MTGOX एक्सचेंज रिलीज गाइडलाइन फॉर BTC रीपेमेंट। यहां पर जो अपडेट आई है वो वैसे तो आपने देख लिया होगा कि अब यहां पर जो मेन मतलब की बात है वो ये है कि MTGOX एडिट द creditors who fail to complete the selection and registration process before the deadline of January 10, 2023। तो यहां पर इनकी डेडलाइन भी आ चुकी है, जो क्रेडिटर जिन्होंने अपनी जो सिलेक्शन या फिर रजिस्ट्रेशन का प्रॉफिट कंप्लीट नहीं किया है उनके लिए ये डेट है। और बाकी आप देख सकते हो कि इस अपडेट का कोई मार्केट पर इतना खास असर हमें देखने को नहीं मिला। अरे देखने को मिल गया कि भैया यहां पर आ गया एक डंप, लगभग 19,731 के आसपास आ गया। जो चीज मैं आपको एक मिनट पहले बता रहा था वो चीज अभी हमें देखने को मिल चुकी है, एक कंफर्मेशन के बाद में, इस अपडेट के बाद में एक अच्छा खासा डंप भी हमें देखने को मिल चुका है। और एक काफी बड़ा कारण ये भी है कि जो US की अनएम्प्लॉयमेंट है वो लगभग 3.5% के आसपास फॉल हुई है, जिसका असर हमें इस समय मार्केट पर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर मार्केट वोलेटाइल हो रहा है, तो यहां पर लॉन्ग पोजीशन मैंने आपको बता दी कि 19,500 के आसपास आप अपना एक लॉन्ग ओपन कर सकते हो, और वहां पे लो लेवरेज का ध्यान रखना, बिकॉज कई मेरे देवी देवता ऐसे हैं जो कि 50x, 25x या फिर इससे भी ज्यादा की लेवरेज यूज करते हैं। ओके, यहां पर अब पार्ट टू की शुरुआत करें तो देखो आज के पार्ट टू में हम डिस्कस करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन ये है, हमने ये सुना होगा कि भैया स्कैम अलर्ट काफी मेरे फेलो क्रिएटर्स भी आपको बोलते रहते हैं, और आपने भी सुना होगा कि भैया स्कैमर्स से सावधान रहना। तो मान लो गलती से अगर आप स्कैमर्स के जाल में फंस गए, फंसने के बाद में आपने क्रिप्टो ट्रांसफर भी कर दिया, आपका फंड चला भी गया, क्या वो रिकवर हो सकता है? देखो मैंने इसके ऊपर पहले ही अच्छे से बात करी हुई है कि भैया किस तरीके से हम हमारे फंड को रिकवर करा सकते हैं अगर हमने गलत एड्रेस भी फिल कर दिया है। अगर स्कैमर्स के पास में आपका पैसा चला गया है, क्रिप्टो चला गया है, तो ये मान के चलना कि भैया भूल जाओ, ठीक है, सीधी क्लियर कट बात बोल रहा हूं कि भूल जाओ। आप चाहे तो क्या कर सकते हो, आप FIR कर सकते हो, साइबर क्राइम में जाके रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा काफी ब्लॉकचेन एजेंसियां हैं जो कि आपको रिकवर कराने का वादा करेगी कि भैया हम रिकवर करवा देंगे। लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैंने जितने केसेस देखे हैं, लगभग 99% केसों में रिकवर नहीं होता है। 1-2% केस में हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन 99% केस में यही होता है कि भैया आपका फंड गया तो मतलब गया, स्कैमर्स आपके फंड को ले गया, भूल जाओ फिर आप, ठीक है। हालांकि अगर सरकारी डिपार्टमेंट चाहे, अगर कोई सरकार चाहे तो स्कैमर्स के पास गए हुए फंड को रिकवर करवा सकती है। ऐसा हमने पास्ट में काफी केसेस भी देखे हैं, अमेरिकन काफी एजेंसियों ने ऐसे ही केस की पड़ताल करते हुए काफी पुराने पुराने केसेस को भी सोल्व कराया है, जो फंड से बड़े बड़े जो फंड से उनको रिकवर करवाया है, ठीक है। तो फंड्स रिकवर करवाना तो पॉसिबल है, लेकिन अगर आपका कोई 100, 200, 500, 1000 डॉलर चला जाए और आप उसकी रिपोर्ट करें तो इस केस में भैया चांसेस बहुत कम ही होंगे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये है,
सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है कि भैया स्कैम के झांसे में आप फंसो ही मत ना। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में भी काफी आपको व्हाट्सएप नंबर मिलते होंगे, उनके झांसे में मत आओ। मेरे नाम पर या फिर किसी भी क्रिएटर के नाम पे आपको कहे कि भैया हम आईसीओ आईडीओ में आपका पैसा लगा के डबल ट्रिपल करवा देंगे, तो उनके झांसे में मत आओ। ये तमाम बातें आपको पता है, लेकिन वो कहते ना कि जामन जी को हनुमान जी की शक्तियां याद दिलानी पड़ी थी, वैसे ही मुझे आपको ये चीजें बार बार याद दिलानी पड़ती है, क्योंकि मैं मेरे कमेंट सेक्शन में काफी ऐसे कमेंट्स देखता हूं जो कि मुझे बोलते हैं ये स्कैमर है, इसने मेरे पैसे खा लिए। अरे भाई मैं आपके $150 क्यों खाऊंगा, मैं वैसे ही कमा लूंगा इतना तो ट्रेड करके। तो प्लीज वो मैं नहीं हूं, वो सारे स्कैमर से जो कि आपके मजे ले जाते हैं, तो इस चीज से आप बिल्कुल सतर्क रहे। दूसरा पॉइंट ये है, एक आप ही में से छोटे बड़े भाई हैं जिन्होंने डायरेक्टली मुझे टीजी पर मैसेज किया था, उनके पास मेरा टीजी आईडी है, कमेंट वमेंट कोई नहीं आया था वीडियो के ऊपर, मैं ही बता रहा हूँ आपको। इस तरीके से क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि भैया मैंने एक ऐसे एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बना लिया है जो कि एक तरीके से एनोनिमस है, बिकॉज वहां पर मुझे कोई पैन कार्ड या आधार कार्ड डिटेल नहीं देनी पड़ी और मैं वैसे ही उस पर अकाउंट बना के अब ट्रेड वगैरह कर रहा हूँ, आराम से मेरा विड्रॉल डिपॉजिट हो रहा है। और काफ़ी एक्सचेंजेस है, कुकॉइन पर भी आप कर सकते हो, इसके अलावा बायबिट पर भी कर सकते हो, MEXC पर भी कर सकते हो, तो ऐसे एक्सचेंज पे उसने अकाउंट बना के रखा है। अब उसका मेन क्वेश्चन ये है कि भैया मैंने तो कोई मेरा डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी मेरी डिटेल वहां पे सबमिट नहीं करी है, सिर्फ नॉर्मली जीमेल आईडी से मैंने अकाउंट बना लिया है और उसी से मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो क्या अगर मैंने 1,000, 2,000 या फिर लाख रुपए से कम का ट्रेड करा और वहां पर मुझे ट्रेड करने पर प्रॉफिट हुआ, तो साल के लास्ट में जो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, क्या अगर मैंने वो टैक्स नहीं दिया तो मुझ पर कोई पाबंदी या फिर मुझ पर कोई एक्शन वगैरह लिया जा सकता है सरकार की तरफ से या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से? तो देखो इसका सीधा सा मैं आपको एक वापस से समझा देता हूँ, मैं उनको डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर दे सकता था, लेकिन अगेन वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, वो वीडियो भी आप देख रहे होंगे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है। सिंपल सी बात है, देखो आप चाहे पैन कार्ड डालो या मत डालो, सरकार चाहेगी तो आपकी डिटेल किसी भी एक्सचेंज से निकलवा सकती है। तो सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि भैया आप टैक्स के लिए पहले से प्रिपेयर हो। और एक झंझट और आएगी कि आपको टैक्स कैलकुलेट करने में भी दिक्कत आएगी, यानी कि आपने साल में कितना ट्रेड लिया, कितना आपने प्रॉफिट या फिर लॉस कमाया, आप डाउनलोड करोगे ना रिपोर्ट्स को किसी भी एक्सचेंज से, तब भी आप काफी कंफ्यूजन में चले जाओगे, आपको 1.5-2 दिन, आपको 2-3 दिन का टाइम भी इसमें लग सकता है। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक ऐसा टूल बताने वाला हूं, कोई पेड प्रमोशन नहीं होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई रेफरल लिंक नहीं होगा, आप चाहे तो उससे करें, आप चाहे तो किसी दूसरी वेबसाइट पे चाहे, आप किसी चाहे तो तीसरी वेबसाइट पे चाहे, लेकिन वो जो मैं टूल्स आपको बताने वाला हूं ना, उसके जरिए आप अपना जो नेट टैक्स है वो कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है? तो मेन जो स्ट्रेट आंसर है ना वो यही है कि भैया आप चाहो या ना चाहो, क्योंकि देखो जो पैन कार्ड है वो तो अब कंपलसरी हो ही जाएगा, यहां पर पहले भी लगभग अगस्त में जुलाई में ये अपडेट आई थी कि IT डेप्थ लकीली टू मेक पैन मैंडेटरी फॉर क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स। तो भैया देखो आप इन फ्यूचर किसी प्रॉब्लम में ना फंसो, इसलिए टैक्स का ध्यान दे के ही चलो, ठीक है? लग तो रहा होगा कि भैया मैं इस तरीके से उस तरीके से, उसने ये बता दिया, उसने वो बता दिया, मैं बच जाऊंगा, बच कोई भी नहीं सकता अगर सरकार अपने पे आ गई, ठीक है? तो इससे अच्छा ये है कि आप पहले से ही टैक्स के बारे में प्रिपेयर रहो, टैक्स के बारे में आपको पहले से ही पता हो कि भैया साल के अंत में मुझे इतना ही खर्चा निकालना है, ठीक है? वरना क्या होगा, आप पूरे पैसे उड़ा दोगे और अगर आपके पास टैक्स का पैसा नहीं बचा तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है? ठीक है, तो इन दो क्वेश्चंस का आंसर मैंने पार्ट टू के अंदर दिया। आई नो काफी लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता है, बट काफी हमारे छोटे बड़े भाई ऐसे जो कि नए मार्केट में आ रहे हैं जिनको ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं पता है। अगर आपको ये पार्ट टू आज का बोरिंग लगा हो तो कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से कोई सजेशन दीजिए कि भैया इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए या फिर इस टॉपिक के ऊपर जरूर से वीडियो बनना चाहिए, जिससे कि सभी का फायदा हो, पूरी कम्युनिटी का फायदा हो। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।